देखता ही देखता हूं कि किसका क्या आया, जैसे कि ये देखिए। और लाइव क्लास में तो आप मतलब कि एक तरीके से जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछिए वो रहेगा आपका। तो ये देखिए जैसे कि बच्चे पूछ रहे हैं डाउट कि ये कैसे वॉइस भेजते हैं, हम क्या करते हैं उनको उसी टाइम रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कॉल करके समझा देते हैं। जैसे मान लो जिसके पास 2 प्रैक्टिकल है तो उसको डेली के 2 घंटे प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो आपको अभी सारे कोर्सेस 399 के मिलेंगे। एक कोर्स, कोई भी एक कोर्स लेंगे 399 का कोर्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ आज और कल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले टीचर्स डे, वैसे तो हालांकि कल है, लेकिन मैं आप सभी बच्चों के लिए बस एक ही प्रेयर करूंगा कि आप सभी बच्चे टाइम पे अपना सारा सिलेबस भी खत्म करें और आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए इस बार। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो बस ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा आपको प्लानिंग से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। प्लानिंग से रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ना अगर हम बात करें तो 3 सेमेस्टर के बच्चे हैं, जैसे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं कुछ, और कुछ सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, अभी तो 3 चलेगा, और कुछ होगा सेमेस्टर हमारा 5। नाउ ये 3 सेमेस्टर के जो आप स्टूडेंट हो, इसके अंदर क्या रहने वाला है सर? इसके अंदर देखा जाए ना तो आप सभी के सभी स्टूडेंट का, एक तो सेमेस्टर 1 वाले जो स्टूडेंट है उनको तो पहले से ही पता चल गया था कि क्या सब्जेक्ट चूज करना है, एट द टाइम एडमिशन उनको मिल गया। और जो सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट थे उनको भी एडमिशन का आ गया, शायद किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो तो एडमिशन इन द सेंस के सब्जेक्ट सिलेक्शन का लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें ये एसवेल के लिए, रेगुलर के लिए और एनसी वेब के लिए तो पहले ही हो चुका है। इसके बाद एसवेल वाले बच्चों को बुक भी देने लग गए, तो आप समझ रहे हैं, आप डीयू की एक चीज समझ लीजिए, उनका बिल्कुल क्लियर कट है। पहले डीयू बुक बाद में बांटती थी, अब डीयू बुक क्या कर रही है, पहले बांट रही है, क्योंकि एक अभी मुद्दा भी आ गया था ये नीट का, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसे, सारी चीजें वो टाइम पे कंडक्ट कर ले और बिल्कुल फेयर करे काम। तो डीयू का ये इस बार का जो जिस हिसाब से वो काम कर रही है उसके हिसाब से उनकी जो मंशा लगती है वो यही है कि भैया किसी कॉन्ट्रोवर्सी में हम ना आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी को देखिए वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि भैया इसकी भी आपको बुक मिल जाएंगी, बुक के लिए आ गया है, इसकी भी जाके आप बुक ले सकते हैं, बुक के लिए नोटिफिकेशन आ गया है एसएल वाले बच्चों के लिए, और इसके लिए भी बुक आप जाके ले सकते हैं, बुक का नोटिफिकेशन आ चुका होगा आप सभी के पास बुक के लिए। हर किसी को अलग अलग कॉलेज, वैसे मोतीबाग दिल्ली के अंदर उसको बोला गया है। टोटल हम देखें तो मैं अगेन कहूंगा आपके पास देखा जाए तो डीयू के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट करेंगे, नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग, वैसे तो 15 दिसंबर बोला हुआ है लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें पढ़ने के लिए ना बचा हुआ है सितंबर, और हमारे पास है अक्टूबर, और हमारे पास है नवंबर, 3 महीने। सितंबर में अब 5 दिन तो हो ही गए, 20 दिन मान के चलो, अक्टूबर में हमारे पास 31 दिन और ये 30 दिन, तो टोटल हमारे पास 60 और 80 दिन मान के चलो हमारे पास है 80 डेज। और 80 डेज में हमारे पास अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं, हालांकि इस बार इनको एक एक सब्जेक्ट कैसे अलॉट करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए रेगुलर वालों के पास तो दे रखा होगा, 7 सब्जेक्ट हैं। अगर आप ध्यान से गणित लगाओ तो अगर आप 7 सब्जेक्ट्स को 80 दिन से डिवाइड करते हो तो एक सब्जेक्ट के लिए मोटा मोटी आपके पास 10 से 11 दिन बनता है। यानी एक होता था ना कि हम इतने दिन में एक टारगेट बनाए तो 10 दिन के लिए एक सब्जेक्ट, और मैं नहीं समझता कि आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे। थ्योरिटिकल तो कर लोगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है जैसे आपका मान लो इनकम टैक्स हो गया, या फिर आप मान लो मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, या फिर मान लो बिजनेस स्टैट्स हो गया या बिजनेस मैथ्स हो गया, या फिर आपका फाइनेंशियल अकाउंट हो गया या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये सभी सब्जेक्ट 10 दिन में नहीं खत्म की जा सकती। तो नाउ
आपको अपना स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाना पड़ेगा, किस तरीके से लेके चलना है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसको आप ना डेली का अभी से एक घंटा देना चालू करिए, मिनिमम 1 आवर, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो कोर्सेस होते हैं लगभग लगभग 40 से 50 घंटे के बनते हैं, तो आप एक टारगेट फिक्स करिए कि आप सभी के लिए एक मिनिमम 1 आवर लेके चलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे कि सेमेस्टर अगर आपका 1 है तो यहां पे आपका होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंट, अगर आपके पास सेमेस्टर 3 है तो आपके पास होने वाला है FM, बिजनेस स्टैट्स और बिजनेस मैथ्स, ये प्रोग्राम में है और ये ऑनर्स में है और ये बूथ में है। और अगर आप सेमेस्टर 5 के हो तो इसके अंदर आपका सेमेस्टर 5 में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉमन ही है, IT, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंट, 2 सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। ये सब्जेक्ट वो है जिसके अंदर आप सेल्फ पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होती है, और सेल्फ मान के मैं चलता हूं कि नहीं पढ़ा जाता इस सब्जेक्ट में, आपको भी ये बातें माननी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों का मानना है कि सर ये चीजें आसान है, ये कर लेंगे। पता है क्या, जब आप करने बैठोगे ना तो आपके मन में ना एक ख्याल आता है जब करने बैठोगे रियलिटी में, कि यार अगर मेरे पास 1.5-2 महीने और होते तो मैं शायद अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूं। आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल देखा जाए तो परेशान एग्जाम के टाइम पे एक ही बात को लेके होते हैं जनरली, यार ये चीजें होती तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैं कर पाता, ये अगर इस तरीके से होता ना, थोड़ा टाइम और मिल जाता तो नोट्स भी मैं अच्छे तरीके से बना लेता तो रिवीजन के टाइम पे काम आता। एग्जाम में जब बैठते हैं तो हमें याद आता है यार नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से करेंगे। और ये सारी जो प्रॉब्लम आती है ना, ये सारी आपको हर बार प्रॉब्लम आती है लेकिन हम सीखते नहीं है उनसे कुछ भी। तो मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि इनके एटलीस्ट इन सभी सब्जेक्ट्स के जो जिस सेमेस्टर में है 1 आवर डेली दें, 1 आवर डेली, 1 घंटा ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 1 घंटा देना है इसको पढ़ने के लिए। और पढ़ोगे जब तो आप प्रॉपर बुक आपको लेना है, प्रॉपर आपको 10 ईयर लेना है बुक, अलग अलग राइटर का होता है, 10 ईयर शिवदास का लेना है आपको, और प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कई बार ऐसा होता है ना कि हम उन सब्जेक्ट को पिकअप कर लेते हैं, उन सब्जेक्ट को हम पकड़ लेते हैं, उस चैप्टर को हम पकड़ लेते हैं प्रैक्टिकल में, जिसका एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं है। नाउ अब आपके पास एग्जाम से रिलेटेड आपको सारा वर्क करना होगा, एग्जाम से वर्क रिलेटेड करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सारी सारी चीजें पढ़ रहे हो, जैसे मैं अगर दिखाऊं ये पिछले साल का है वैसे इनकम टैक्स की बुक, तो बच्चा इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है DU के अंदर कि इसमें से आप जब पढ़ोगे तो इतना सारा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उन चीजों में भी अपना टाइम लगा दोगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो हाँ, मैं एक तरीके से होना ये चाहिए कि आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए, लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उन सभी स्टूडेंट को कहूंगा अब थोड़ा सा आप एग्जाम ओरिएंटेड हो जाओ, थोड़ा सा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ो। अगर प्लानिंग से पढ़ोगे तो अगर आप 80 दिन जैसे जैसे गाइडेंस मिलता जाए, मैं देता रहूंगा हमेशा गाइडेंस, उसके हिसाब से करोगे तो मैं गारंटी बताता हूं आपका पेपर बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो एक प्लानिंग कर लो कि आपको 1 आवर प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो अगर जैसे मान लो जिसके पास 2 प्रैक्टिकल है तो उसको डेली के 2 घंटे प्रैक्टिकल पढ़ना है। तो अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के आवर बताऊं, कोई भी प्रैक्टिकल आवर पकड़ लो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के आवर, तो वो मान के चलो मिनिमम टू मिनिमम 40-50 आवर तो बनता ही बनता है। 40-50 आवर में हमारा खत्म होता है घंटे। और थियोरिटिकल जो सब्जेक्ट होते हैं वो नो डाउट आप सेल्फ पढ़ लेते हो और वो आप जल्दी से जल्दी खत्म कर पाते हो, इसके लिए आपको 20-35 घंटे का समय लगता है पढ़ने के लिए। तो आपको डेली क्या करना है, डेली देखो प्लानिंग के हिसाब से आपके पास जो भी समय हो, कुछ जॉब पे भी हैं आप में से, कुछ कॉलेज के एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, तो आप या तो लेट नाइट का 1 आवर निकाल लो पढ़ने के लिए या मॉर्निंग का निकाल लो। दिन का आपका टाइम जो होता है वो प्रॉपर यूज नहीं हो सकता। हाँ, जो दिन में घर पे है और कोई एक्टिविटी नहीं है
तो वो सारी चीजें छोड़ के फिर तो वो अच्छे से पढ़ाई कर लो। ये पढ़ाई आपकी बीकॉम की, मैं आपको इतना बोलता हूं कि बीकॉम करने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बाद के आगे जितने भी कोर्सेस है, अगर आपने बीकॉम अच्छे से नहीं करी तो वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। लाइक MBA हो गया, CA हो गया, ACCA हो गया, CMA हो गया, आप नहीं कर पाओगे उसको अच्छे से, क्योंकि बेस है ये एक तरीके से। तो बीकॉम इज मैंडेटरी फॉर यू, लेकिन आपके लिए बीकॉम से जॉब मिल जाएगा ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपको जैसे कि हमारे लिए 11th, इतना 11th देखो क्या था, बेस था, हम 12th करते थे, तो सेम वही बीकॉम का हाल है। तो आपको ये आवर देना है, आपको आपके हिसाब से कन्विंस, लेकिन डेली डेली टाइम टेबल निकालना है, डेली निकालना है कि भैया 1 घंटा हम पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी आपका मन ना करे पढ़ने का, तो लास्ट एग्जाम के पेपर के दिन जरूर याद करिएगा आपने खुद क्या प्रॉमिस किया था, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैं वो बता देता हूं आपको। पढ़ने का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक तो आप प्रैक्टिकल को, मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि प्रैक्टिकल ना आप सेल्फ, देखो मैं बोलूंगा नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप बोलोगे सर आई कैन डू, मैं पढ़ सकता हूं, तो मैं बोलूंगा अवॉइड किया करो। प्रैक्टिकल को आप थोड़ा हेल्प लेके पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल की जो कॉलेज की बुक है ना, वो कॉलेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं बनती, वो एक जर्नल गाइडेंस बुक बन जाती है। तो जैसे कि ये बुक मान लो, तो ये यूनिवर्सिटी एडिशन है, स्टूडेंट गाइड टू बुक होता है, ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर सिलेबस है वही होगा, उससे ज्यादा भी होगी किताबों के अंदर और उससे कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही लेते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है कि वो सभी कॉलेज को टारगेट करते हैं। तो एक तो सबसे पहले सेल्फ आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास आपके लोकल एरिया में कोई ट्यूटर है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर अगर बैच चला रहे हैं तो आप वहां पे ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई अकेले जा रहे हो, आपको हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, तो वहां पे क्या होता है वो रिदम नहीं बन पाता, ना तो उन टीचर्स का बन पाएगा ना आपका बन पाएगा, आपकी छुट्टियां काफी होगी उनके बीच में, और छुट्टी होने की वजह से आपका ना लास्ट में पछताना पड़ सकता है, आपको सिलेबस छूट जाएगा आपका। तो जो आपके लोकल एरिया में ट्यूटर है, आप वहां जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन प्रॉपर सिलेक्शन बैच को देख के करिए, अगर वहां बैच है देन सेलेक्ट करिए, अगर कोई बोलता है ठीक है मैं करा दूंगा इंडिविजुअली तेरे को करा दूंगा तो मत जाइएगा। दूसरा आपके पास एक है YouTube, तो मैं कहना चाहूंगा YouTube ना सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप YouTube पे पढ़ के डॉक्टर भी बन सकते हो, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकते हो, आप बीकॉम भी कर सकते हो, सब कुछ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे क्या आ जाती है कि हमारा समय राइट प्लेटफॉर्म को चूज करने में निकल जाता है, राइट टीचर को चूज करने में निकल जाता है, हमारे बहुत सारे क्वेरी होती हैं वो रह जाती हैं। जैसे कि हमारे चैनल पे आप देख ही रहे होगे, जब स्टार्टिंग से जो बच्चा ज्वाइन कर रखा है, जिस बच्चे ने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जो आपका FM सब्जेक्ट है, वो मैं आज से नहीं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, हर बार मैं यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर देता हूं। तो अब जैसे आप सपोज करो एक सिंपल सा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने जा रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको 4 क्लासेस मिलेगी 0101। अब वहां कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप जब भी YouTube से पढ़ें तो लेटेस्ट वाले पॉइंट को देख के ही पढ़ें। और कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि यार मेरे को तो ये वन शॉट मिल गया या फिर ये है, तो उसमें काफी सारी चीजें होती है जो कि टेक्निकलिटी में चेंज होता है, तो वो अपडेट नहीं होता, तो आप लेटेस्ट से पढ़िए। एक तो आपका यूट्यूब है, मेरी कोशिश रहती है, पता नहीं भाई कैसे मैं डिलीवर कर पा रहा हूं आपको कंटेंट, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि बेस्ट से बेस्ट और इजी से इजी तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर किया जा सके। लेकिन आपको यूट्यूब पे भी फायदा तभी होगा जब बुक और टेन्योर होगा, उसके अलावा अगर आप सोचोगे सेल्फ या PDF से या ऐसे, तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर यूट्यूब से शॉर्ट्स हट जाता, शॉर्ट्स वाला सेक्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेते यूट्यूब पे पहले के टाइम पे। लेकिन अब अगर हम यूट्यूब को ओपन करते हैं तो जितने हमें वो चीजें नहीं दिखती, हमारे जरूरी की चीजें, उसके नीचे
रिकमेंडेशन में शॉर्ट्स आ जाता है, और एक बार फिर वहां पे टाइम खराब हो जाता है। मेरा भी कई बार ऐसा टाइम खराब हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा मेरा नहीं हुआ, तो उसी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो एक ड्रॉबैक है, तो जो एकदम डेडिकेटेडली है वो करेगा। तीसरा आप ऑनलाइन, तीसरा आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास। अब सर ऑनलाइन क्लास में जो भी आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हो, हमारे पास भी ऑनलाइन क्लास है शिक्षा धाम पे, बहुत सारे स्टूडेंट, हमने पहले 15 अगस्त पे बैच लॉन्च किया था तो उसके अंदर बहुत बच्चे रह गए या फिर नहीं ले पाए, और बहुत बच्चे कहते हैं सर हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो मैं हर बच्चों को कहता हूं जिसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जेन्युइनली, देखिए दूसरों का आपको हक नहीं मारना, आपका अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो जरूर किया जाएगा। आपको कैसे पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, हम जरूर पढ़ाएंगे आपको, बस आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि भाई मैं कर सकता हूं। तो बहुत सारे बच्चे, हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, शिक्षा धाम आप ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएगा। हाँ iOS पे नहीं मिलेगा तो आपको कॉन्टैक्ट करना, उस पर हम अलग एप्लीकेशन पे करवा के हम करवा देते हैं। कोर्स का प्राइस अभी हमारा 649 है, 649, लेकिन अब टीचर्स डे है तो मैं, वैसे तो देखो एजुकेशन की कोई कीमत नहीं होती और एजुकेशन फ्री होना भी चाहिए, दोनों चीजें मैं बोल रहा हूं। एजुकेशन की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ पूरे लाइफ टाइम तक रहेगा, आपके परिवार, आपके हर रिश्तेदार, आपके दोस्त, हर कोई साथ छोड़ सकते हैं लेकिन आपकी नॉलेज आपके साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और इसी नॉलेज के बेसिस पे मैं बोलता हूं आप अपना जीवन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक आपके पास, आपने बहुत टीचर्स को सुन लिया होगा कि भैया एजुकेशन आपके फ्यूचर को सुधार सकता है, तो इतनी पावर है एजुकेशन के अंदर। तो हमने 649 का था लेकिन टीचर्स डे पे बहुत बच्चों का रह गया था, इस बार हमने स्पेशली, और आज टीचर्स डे मैं आपको इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे दो दिन का समय मिल जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आने की वजह से सर्वर ना क्रैश हो जाता है, तो आपको अभी सारे कोर्सेस 399 के मिलेंगे। एक कोर्स, कोई भी एक कोर्स लेंगे 399 का कोर्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ आज और कल। इसके अंदर हमारा एक, मैंने आज खुद रियलाइज किया कि बच्चों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा और इस हिसाब से कराया जाए जिससे कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि आपका सिलेबस नवंबर, 10 नवंबर तक कंप्लीट करा दिया जाए। पहला टारगेट आपका सिलेबस पूरा लाइव क्लास के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। दूसरा, आपके 10 नवंबर के बाद आपके रिवीजन कराए जाएं। इसके बाद आपके डाउट के लिए, डाउट के लिए हमने नंबर दे रखे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप को देखेंगे ना, मेरे फोन में ही रहता है डाउट स्पेशली, तो आप देखेंगे, देखिए ये व्हाट्सएप है, जैसे FM का किसी को डाउट लेना है, मैंने नंबर स्विच कर करके डाले हुए हैं। मैं कम से कम जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट मैं उसके डाउट तो मैं देखता ही देखता हूं कि किसका क्या आया। जैसे कि ये देखिए सारे जितने भी बच्चों का है, तो जैसे डाउट आता है तो डाउट उसी टाइम, जैसे जैसे समय, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूं आप लोगों का। और लाइव क्लास में तो आप मतलब के एक तरीके से जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछिए वो रहेगा आपका। तो ये देखिए जैसे कि बच्चे पूछ रहे हैं डाउट कि ये कैसे वॉइस भेजते हैं, हम क्या करते हैं उनको उसी टाइम रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कॉल करके समझा देते हैं। मतलब मेरा ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है, तभी मेरा कंटेंट की वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। तो आप सभी को देखो, सबसे पहले तो भैया टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत कम टाइम बचा है। जिसको कोर्स लेना है, डाउट के साथ साथ आपके लाइव क्लास है, लाइव क्लास के साथ साथ आपको फिर यहाँ पे कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी है, उससे रिलेटेड डाउट,
और टेस्ट भी एमसीक्यू भी और नॉर्मल टेस्ट भी हम कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ईयर अभी भी जो 10 ईयर है सेमेस्टर 3 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो भी मैं ही लिखूंगा सेमेस्टर 5। तो मैं एज अ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ 80 दिन मेरे मुझे दीजिए अपने 80 डेज आपके एग्जाम का जो मेरा सब्जेक्ट होगा एक भी क्वेश्चन बोलोगे सर ये रह गया और या मेरा छूट गया तो ये मैं गारंटी बोलता हूं अगर मेरे साथ चलेंगे तो एक भी पेपर नहीं छूटेगा। इनफैक्ट हम इस लेवल की प्रिपरेशन कर लेंगे कि एग्जाम के टाइम पे हमें रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब भी हम एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत बच्चों की अब मैंने कोर्स का प्राइस 399 रखा तो बहुत देखो जैसे कि काफी कॉलेजेस हैं चाहे SRCC है काफी बच्चे पढ़ते हैं चाहे आपका हिंदू कॉलेज है रेगुलर कॉलेज के काफी SOL वाले बच्चे एक तरीके से उन तक रीच नहीं पहुंच पाते या फिर वो बच्चों को कोई गाइड नहीं करता। तो मैं आप सभी को बोलूंगा आप सब बहुत सारे ग्रुप में होती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उनको वीडियो शेयर करिए और ताकि वो गाइडेड रहे और एटलीस्ट चैनल के साथ आप मत करिए सब्सक्राइब से मुझे मतलब नहीं है एटलीस्ट आप सही समय पे सही नोटिफिकेशन तो लीजिए आप। तो मैं आप सभी को बस इतना कहूंगा कि आप जुड़े रहिए और आप साथ के साथ आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के टाइम पे कितना बेनिफिट हुआ इस चैनल पे। हमारी कोशिश रहती है हमेशा कोर्सेज जिस बच्चे को लेना है वो ले सकता है डिस्क्रिप्शन में नंबर सारी चीजें हैं और बाकी वे भी बताया है। अल्टरनेटिवली आप अगर मैं मेनली बात करूं तो मेरा बस एक ही मुद्दा है एक ही है कि आप सभी बच्चे स्टडी स्टार्ट कर दें और जिन बच्चों तक क्योंकि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन हाँ वॉच करते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हर किसी का अपना नेचर है यार चल हटाना क्या करें तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो वो तो चलता रहेगा लाइफ में। मेनली क्या है कि भाई 80 दिन बचे हैं आप मेरे साथ जुड़ जाइए वेदर यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में जुड़ जाइए या आप कनेक्टेड रहिए। एग्जाम जो प्रैक्टिकल जितने भी लिखवाए हैं इससे रिलेटेड अब बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। इसी मौके पे हमने न्यू बैच भी लॉन्च कर दिया है इसी प्राइस के लिए एक स्पेशल बैच निकाला है जिसके अंदर आपको सारी चीजें कराई जाती है लेकिन हाँ हम बुक बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि हम बोलते बुक खरीदो 10 ईयर प्रोवाइड नहीं करते 10 ईयर खरीदना पड़ेगा एक सब्जेक्ट का मैंने ये आपको बताया है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि समय बहुत कम है और टाइम कम होने के साथ साथ हमें अच्छे से पढ़ना भी है एग्जाम के अंदर क्योंकि सब्जेक्ट्स मैं अगर देखूं अगर मैं सेमेस्टर 1-3 की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे आप ऐसा सब्जेक्ट मत समझो। काफी बच्चे बोलते हैं सर इजी हो जाएगा हो तो जाएगा आप पास भी हो जाओगे क्या रियली में आपने उस चीज को जिस लिए पढ़ाया गया ये जिस लिए ये पूरा कोर्स बनाया गया क्या उसका आप स्वाद ले पाए क्या उसको आप समझ पाए। अगर उसको आप नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं। आप शादी अटेंड करने जाते हो और शादी में बहुत सारा खाने के स्टॉल लगे हुए हैं और अगर आपने खाना नहीं खाया बस शादी के अंदर एंटर करके निकल गए और आपने शगुन का लिफाफा दे दिया निकल गया आपने अटेंडेंस लगा दी क्या आपका शादी में जाना सफल हुआ नहीं हुआ। आप उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर पाए आप गए तो वो मत करिए कि एग्जाम में गए और इधर उधर से जैसे भी मिला हमने लिख दिया और पास हो गए। नेवर आपकी एक एज आएगी ना सर्टेन तो आपके पास एक मेमोरी जरूर होना चाहिए क्योंकि when you are crossing 60 जब आप 60 क्रॉस करोगे तो आपका लाइफ आगे मेमोरेबल होना चाहिए कि मैंने ये भी किया था। आपको अपने जूनियर को सबको कुछ बताने के लिए तो हो हमने कितनी मेहनत करी थी और आप जानते हो अच्छे से अगर मैं बोलूं कि आपकी पढ़ाई बताओ कैसे चली थी तो आप बोलोगे भाई 10th में तो हमने ये करा था ऐसे करा था 12th के अंदर भाई रात दिन लगा दी थी हमने ऐसे किया वो मेमोरी है वही साथ जाएगी आपकी। तो इस बात का ध्यान रखिए जो जिसके फाइनेंशियली क्योंकि मेरे कोर्स का प्राइस इसलिए भी मैं कम रखता हूं कि भैया मुझे नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन बच्चा अमीर है कौन बच्चा गरीब है किस बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है किसको नहीं है। तो स्पेशली आप उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचाइए जो जेन्युइनली फाइनेंशियली किसी भी कारण से है हम उसकी जरूर मदद करेंगे। पढ़ना आपको है पढ़ाना मुझे है आगे फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में देखा जाएगा लेकिन जो प्रेजेंट में कर रहे हैं हम बहुत बेहतर एकदम फोड़ देंगे प्रेजेंट में चाहे बीकॉम हो चाहे कुछ भी करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे बस ये समझिए।
तो बस लास्ट यही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को कि इस बार बहुत अच्छे नंबर से पास हो। मैं हमेशा आपको अलर्ट करता रहूंगा, आपको करना पड़ेगा मेरे साथ मिलके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, वो आज और कल के लिए है। बाकी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आपके साथ क्या क्या परिस्थितियां आगे आएंगी, उस चीज के लिए अभी से तैयार कर ले।